नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इंडियन पॉलिटी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी को यम लक्ष्मीकांत सर की बुक के अनुसार डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में हम पहुंच चुके थे पांचवें अध्याय में। पांचवा अध्याय जिसका नाम है संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यह कंप्लीट वीडियो हमारा हिंदी में होगा और हिंदी में ही हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने संविधान के अंतर्गत संघ के बारे में जाना, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जाना और उसके अलावा संघ से संबंधित जो हमारे भाग एक में एक से लेकर के चार अनुच्छेद हैं, उन सारे अनुच्छेदों के बारे में बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तथ्य को लेकर के किसी प्रकार का डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव हमारे यहाँ पर किस प्रकार से हुआ था। तो उसी क्रम में सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है देसी रियासतों के एकीकरण के बारे में। तो इस क्रम में अगर हम लोग बात करें तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो हमारा संपूर्ण भारत था, मान लीजिए कि ये अगर आपका पूरा भारत था, तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे राज्य थे, लेकिन इन राज्यों की दो श्रेणियाँ थी। यानी कि कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर सीधे ब्रिटिश प्रशासन यानी कि ब्रिटिश सरकार के हुए अधीन थे और कुछ हमारी छोटी छोटी देसी रियासतें भी बीच बीच में थीं। तो इस प्रकार से आज़ादी के समय हमारे भारत में दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक जिन पर सीधे ब्रिटिश शासन था और एक हमारी देसी रियासतें थीं जिनमें कोई ना कोई राजा राज्य करता था। तो ये आपके दो हो गए, एक हमारा हुआ ब्रिटिश प्रांत और एक हमारी हो गई देसी रियासतें। तो उस समय जब हमारे यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो दो तरह के राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि दो देश हमारे बने, एक हमारा था भारत और एक हमारा था पाकिस्तान। तो जब हमारे इन दो देशों का निर्माण हो गया, उसके बाद में जितनी भी हमारे यहाँ पर रियासतें थी उनको ये हक दिया गया या उनको ये अधिकार दिया गया कि आप लोगों के पास में यहाँ पर तीन विकल्प हैं, या तो आप क्या करिए भारत में शामिल हो जाइए, या आप लोग चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी कि जो हमारी ये तीन दो रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत वाली जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी या जो देसी रियासतें थी, इनके पास तीन ऑप्शन थे, या तो ये भारत में आएँ, या फिर ये पाकिस्तान में आएँ, या फिर हमारी ये स्वतंत्र रहें। तो इस प्रकार से उस समय कुल मिलाकर के हमारी 552 देसी रियासतें भारत में थीं। तो हुआ क्या बाद में, इनमें से 552 में से 549 जो थीं वह सीधे सीधे भारत में शामिल हो गई, यानी कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हम भारत में ही शामिल होंगे। लेकिन तीन अन्य थीं, ये तीनों आसानी से शामिल नहीं हुए। इनमें आपका एक था हैदराबाद, अगला आपका था जूनागढ़ और एक हमारा था कश्मीर। हैदराबाद जो कि आपके बीच में है, दक्षिण में पता होगा, आंध्र प्रदेश के आसपास। जूनागढ़ आपका गुजरात के आसपास था और कश्मीर के बारे में तो आपको पता है, ये हमारा था ऊपर। तो बाद में ये तीनों भी हमारे भारत में शामिल हुई। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पर एक निजाम था जो कि स्वतंत्र चाहता था कि हम इसको स्वतंत्र देश बनाएं। जूनागढ़ भी इसी प्रकार से जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल हुआ और कश्मीर एक विलय पत्र था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में यह हमारा शामिल हुआ था। तो कश्मीर के बारे में डिटेल में हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि क्या पूरा प्रोविज़न था और किस प्रकार से कश्मीर किन शर्तों पर शामिल हुआ था भारत में। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान था उसमें भारतीय राज्यों की चार श्रेणियां बनाई गई थीं। कौन कौन सी, एक आपका था ए यानी कि का, खा, गा और घा। का में आपके 9 राज्य थे, खा में भी आपके 9 राज्य थे, गा में आपके 10 थे और जो आपका घा था इसमें केवल एक राज्य था। कौन सा एक राज्य, अंडमान और निकोबार। ये आपके कुल मिलाकर के चार हमारे समूह बनाए गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा भाग का था, भाग का में हमारे वह राज्य थे जहाँ पर ब्रिटिश शासन था और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर होते थे। भाग खा की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाग खा हमारे ऐसे राज्य थे जहाँ के राज्यों में विधानमंडल था। उसी प्रकार से अगर हम भाग गा की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से हमारे वह राज्य थे जहाँ पर ब्रिटिश भारत का मुख्य आयुक्त होता था।
और इसके बाद में एक हमारा राज्य बना दिया गया था भागघा, जिसमें हमारा कौन था, अंडमान और निकोबार। तो इस तरीके से चार यहाँ पर हमारे बनाए गए थे। डिटेल में आपको नहीं जानना है क्योंकि इनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आते हैं। तो ये हमने बेसिक के बारे में डिस्कस की। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आयोगों के बारे में जिनका पुनर्गठन किया गया था या जिनका निर्माण किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के पर्पस से। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धर आयोग के बारे में, जिसका गठन हुआ था 1948 में। अब हुआ क्या कि जितनी भी हमारी देसी रियासतें थी उनको ऐसे टेम्परेरी यानी कि परमानेंट कोई प्रोविजन नहीं था, टेम्परेरी रूप से ही उन्हें भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। तो बाद में जब ये हमारी भारतीय संघ में शामिल हो गई तो अब भारत, आप देखते होंगे कि इतना ज़्यादा बड़ा विशाल देश है, बहुत सारी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, और इन्हीं भागों में मुख्य रूप से दक्षिण के जो हमारे राज्य थे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मांग उठने लगी कि जो हमारे राज्य हैं इनको आप फिर से पुनर्गठित करें। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य थे उनके गठन के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, और इसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम था यस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग के अपनी रिपोर्ट थी दिसंबर 1948 में। तो इन्होंने क्या बताया कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, इनका जो पुनर्गठन हो वह प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो, यानी कि किस प्रकार से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, यह आधार होना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन का। तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन जब लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चला तो वह लोग एक बार फिर से आक्रोश में आ गए और पुनः एक बार मांग उठने लगी भाषाओं के आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन की। तो इसी क्रम में हमारे दिसंबर में ही जब इसने रिपोर्ट सौंपी थी तो उसी समय एक अन्य आयोग की गठन की गई जिसका नाम था JVP समिति। और इसमें कौन कौन थे? इसमें हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभि सीतारमैया, और इसके अलावा कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो इन तीनों की अध्यक्षता में एक हमारा नया समिति का गठन किया गया। तो अप्रैल 1949 में इसने भी अपनी रिपोर्ट दी, और इसने भी कहा कि धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है यानी कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना है उसको हम लोग भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही करें। तो ये रिपोर्ट भी मान ली गई। लेकिन हुआ क्या कि 1953 में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया गया। क्यों बनाया गया, इसके बारे में एक कहानी है। हुआ क्या, एक हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू आंध्र प्रदेश के गठन के लिए बैठ गए थे अनशन पर, और 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और इस भूख हड़ताल के बाद में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु के बाद में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश होता है, और उसी आक्रोश को समाप्त करने के लिए या कह सकते हैं उसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप सरकार को विवश होकर के यहाँ पर पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि जब एक राज्य का गठन हो चुका था भाषा के आधार पर तो जो हमारे अन्य क्षेत्र थे वहाँ पर भी इसी प्रकार की मांग उठने लगी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने एक और आयोग का गठन किया जिसका नाम था यहाँ पर हमारे फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। और दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। तो अगर हम लोग बात करते हैं फजल अली आयोग के बारे में तो दिसंबर 1953 में गठन हुआ और इसमें तीन लोग शामिल थे। कौन कौन से तीन लोग थे? एक तो हमारे थे फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे, एक हमारे थे KM पर्णिकर, और एक हमारे थे HN खुंजरू। इन तीनों लोगों की समिति का गठन किया गया और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली। तो इनसे कहा गया कि एक बार आप फिर से अपनी रिपोर्ट दें। तो फाइनली जा करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि राज्यों का जो गठन है वह भाषा के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, जो पिछले दोनों आयोगों ने कहा था कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने यही कह दिया कि भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पर कंडीशन रखी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने कह दिया है कि भाषा के आधार पर गठन सही है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत में जितनी भाषाएँ हों उतने ज़्यादा राज्य भी हों, यानी कि एक भाषा एक राज्य, इस सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने
प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर यही सलाह दी थी अपनी कि किसी भी प्रकार से अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो वहाँ पर प्रमुखता देनी चाहिए भारत की एकता को, भारत की एकता के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो चार बड़े कारकों के बारे में इन्होंने बताया और इन चारों के बारे में आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना हुआ तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर इन कारकों से लिख सकते हैं। पहला हमारा हुआ कि देश की एकता और सुरक्षा जो है वह पूरी तरीके से संरक्षित होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर आपने गठन कर दिया राज्य का और उससे हमारे देश की एकता को ही खतरा आ गया या देश की सुरक्षा में को ही कोई खतरा आ गया। तो इन बातों को ध्यान रखना है जब भी आप करेंगे किसी नए राज्य का पुनर्गठन। दूसरा इन्होंने दिया कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि भाषा चल सकता है, यानी कि भाषाएं एक समान हो ये चल सकता है, और इसके अलावा जो भी उस राज्य के लोग हों उनकी सांस्कृतिक एकरूपता भी हो, यानी कि उनकी संस्कृतियां भी हों वे आपस में भी मेल जोल खाती हों, तो ये भी इन्होंने एक आधार दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क भी दिए, यानी कि किस प्रकार से वहाँ का प्रशासन चलाना है, वहाँ के वित्तीय लेन देन को सुचारू रूप से चलाना है, आर्थिक व्यवस्थाएँ किस प्रकार से वहाँ पर होंगी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए नए राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा एक जो लास्ट बात इन्होंने बताई कि प्रत्येक राज्य में पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सारी सलाहें दी थी कि इन्हीं के आधार पर, इन कारकों के आधार पर ही नए राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इसके बाद में फाइनली क्या किया गया कि जो हमारे भाग का हैं, खा हैं, गा हैं, इनमें कुछ परिवर्तन किए गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में। कब आता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आता है। और इसमें क्या किया गया कि भाग का और भाग खा में कुछ समानताएं लाई गई, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस थे उनको दूर किया गया, भाग गा को यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और फाइनली जा कर के जब 1 नवंबर 1956 को ये हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके आधार पर भारत में कुल मिलाकर के 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और उसके बाद में धीरे धीरे आगे चल करके राज्यों के गठन की मांगें उठती रहीं, और इसी क्रम में सबसे पहले 1960 में हमारा जो एक राज्य था बम्बई से यहाँ पर दो राज्यों का निर्माण हुआ। एक हमारा बना महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए और गुजराती लोगों के लिए बना गुजरात। तो इसी प्रकार से आगे चल करके हमारे राज्यों का पुनर्गठन होता रहा, कुछ राज्यों के नामों में भी परिवर्तन हुआ, और फाइनली जा करके आज अगर हम लोग देखते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इस अध्याय में इतना ही। इसके अलावा इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है तो उन डेटा के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब यहीं पर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे और इसके बाद में जो हमारा अगला अध्याय होगा उसमें हम लोग बात करेंगे नागरिकता के बारे में, और नागरिकता को भी हम एक ही अध्याय में समाप्त कर देंगे। नागरिकता के बाद में हमारे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होंगे जिसमें आपका सबसे पहला है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, फिर आपका आता है DPSP। तो इन सारे अध्यायों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 से 4 वीडियो में इन सारी चीज़ों को समाप्त करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि m.laxmikant सर की जो बुक है उसमें कुल 76 चैप्टर हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग उनको डिटेल में करेंगे, बाकी को भी हम लोग ब्रीफ में समझते हुए आगे चलेंगे। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समय देने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।